जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाजपा और मुसलमान सामान्य तरीके से देखें तो यह दोनों नदी के दो किनारों या रेल की दो पटरियों जैसे नजर आते हैं, जो चलते तो साथ हैं लेकिन एक कभी नहीं होते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई मुस्लिम बाहुल सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत बताती है कि मुस्लिम वोटर ने भी भाजपा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बना रखा है। अब भाजपा इसी सॉफ्ट कॉर्नर को अपने विजय रथ के लिए रास्ता बनाने की तैयारी में है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मुसलमान मोदी सरकार, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो भरोसा करते हैं, पर कांग्रेस के जमाने से एक संकोच की दीवार, पहले जनसंघ, अब भाजपा और मुसलमानों के बीच खड़ी है। पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संकोच की इसी दीवार को गिराकर हाथ से हाथ मिलाना चाह रही है। अपनी इस मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए भाजपा ने एक तो अपेक्षाकृत नरम माने जाने वाले सूफी विचारधारा के प्रभावशाली व्यक्तियों और कलाकारों की ओर हाथ बढ़ाया, तो दूसरी ओर उसकी निगाहें मुस्लिम आबादी में बड़ी संख्या रखने वाले पसमानदा तबकों पर भी हैं। एक और तो भाजपा ने सूफी दरगाहों पर कव्वाली वाला प्रोग्राम बनाया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी में सम्मेलन किए जा रहे हैं। बुधवार को बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रमों को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है। आमतौर पर हिंदुत्व के मुद्दों पर फायर रहने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे तो अल्पसंख्यकों का हाल पूछते नजर आए। उनके भाषण की लाइनें इसी के इर्द गिर्द दिखाई दी। बरेली के सम्मेलन की अगली कतार में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठाए गए थे। डिप्टी सीएम ने शुरुआत अखिलेश यादव से की और फिर मौजूद मुस्लिम समाज से सीधे बात करते हुए पूछ लिया कि क्या आप लोगों का भाजपा वोट देने के बाद कोई दिक्कत हुई। इस पर सभी ने एक आवाज से नहीं कहा। भाजपा आंतरिक सर्वे भी कहता है कि मुस्लिम समाज में केंद्र सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं का सबको समान रूप से फायदा मिला, यही वजह है कि समाज के एक तबके ने खुलकर भाजपा का साथ दिया है। वैसे भी यूपी की 14 सीटों पर मुस्लिम वोट 30% से अधिक है। भाजपा का मानना है कि इनमें से एक तबके को भी साथ कर यदि 15% वोट भी ले पाए तो इन सीटों पर भगवा फहराने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। भाजपा की रणनीति का ही हिस्सा है कि मुस्लिम सम्मेलनों में मोदी और केंद्र सरकार का तो जिक्र होगा, लेकिन योगी और योगी सरकार का कामकाज मुख्य मुद्दों से बाहर रहेगा। मिशन 2024 के तहत इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। यूपी में डॉक्टर सैयद एहतसामुल हुदा को प्रभारी बनाया गया है। उनके माध्यम से सूफी विचारधारा वाली दरगाहों के प्रबंधकों से संपर्क किया जा रहा है। इन दरगाहों पर कव्वालों के साथ बैठकर भाजपा के नेता राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाएंगे। भाजपा का मानना है कि यही माहौल भाजपा और मुसलमानों के बीच खड़ी संकोच की दीवार को गिराने का काम करेगा। भाजपा अपने इस अभियान को काफी गंभीरता से ले रहा है, इसीलिए एक केंद्रीय टीम बनाकर इस महाअभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। दरगाहों और जिलों पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी महाअभियान के राष्ट्रीय प्रभारी मौलाना सुहैब कासमी को भेजी जा रही है। कौन सी दरगाह के कार्यक्रम में किस प्रमुख पदाधिकारी महामंत्री की मौजूदगी रहेगी, यह राष्ट्रीय समिति ही तय करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।